नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जो हमारे चेहरे की त्वचा होती है, जो हमारी स्किन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, नाजुक होती है। इसलिए कुछ भी डायरेक्टली अपने फेस पर लगाने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप विटामिन ई के जो कैप्सूल लाकर अपने चेहरे पर डायरेक्टली लगा लेते हैं, उसके क्या क्या नुकसान है और उसको सही तरीके से किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो विटामिन ई जो है वो भरपूर होता है एंटीऑक्सीडेंट से, और उसके यूज़ करने से आपके चेहरे की टैनिंग क्लियर होती है, आपके स्पॉट्स क्लियर होते हैं, आपके जो झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, ब्लेमिश है, उन्हें ठीक करता है और एक्ने और पिंपल को भी रिमूव करता है। लेकिन इसको अगर आप डायरेक्टली फेस पर अप्लाई करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे मिलने की बजाय आपको नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में मिलने वाला जो कैप्सूल है उसमें विटामिन ई जो पाया जाता है वो नेचुरल फॉर्म में नहीं होता, कंडेंस फॉर्म में होता है, यानी कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। इसलिए जब भी आप उसको डायरेक्टली फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपके चेहरे के जो ओपन पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, यानी कि ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्किन के रैशेज हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, सेंसिटिवनेस जो है आपकी स्किन की वो बढ़ सकती है। उसकी वजह से आप जब धूप में जाएंगे तो आपको खुजली महसूस हो सकती है, चेहरे पे इचिंग हो सकती है। इसके अलावा चेहरे पे दाने हो सकते हैं, चकत्ते हो सकते हैं, लालिमा हो सकती है, या फिर आपके चेहरे पे जलन महसूस हो सकती है, आँखों में स्वेलिंग भी आ सकती है अगर आप विटामिन ई की कैप्सूल को डायरेक्टली फेस पर लगाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करना चाहते हैं तो उसको या तो नारियल तेल में मिक्स करके फिर अप्लाई करिए चेहरे पर। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें रोज़ वाटर मिक्स कर सकते हैं, एलोवेरा जेल मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा आप एसेंशियल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन ई कैप्सूल को एसेंशियल ऑयल में मिक्स करके फेस पर अप्लाई करिए, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।